الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. محترم المقام واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، آج کی جمعہ کی اس نشست میں قرآن مجید فرقان حمید دو مقامات سے آیات کریمہ تلاوت کرنے کے بعد ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارک پڑھی ہے. چونکہ آج کا دن 12 ربیع الاول سن 1445 ہجری کا دن ہے، اور اس دن عمومی طور پر پاک و ہند میں، برصغیر میں، خاص کر پاکستان میں ہمیں بہت سارے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اور بہت سارے سلسلے محبت و عشق کے نام پر ہمیں نظر آتے ہیں. چنانچہ آج کی اس جمعہ کی نشست میں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس موضوع کے حوالے سے کچھ گزارشات بیان کر دی جائیں. موضوع تو بہت ہی زیادہ طویل ہے، اس میں اگر آدمی دیکھے تو اس کے ذیل میں بہت سارے ذیلی عنوانات اس کے اندر موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی، ایک موضوع تو یہ ہے، یعنی ایک عنوان ذیلی یہ ہے، اس کا دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے منائی جانے والی خوشی یا خوشیوں کا طریقہ کار باقاعدہ عید کے نام سے موصول کر کے اور شرعی اور مذہبی اعتبار سے، تو یہ خود ایک موضوع ہے، ذیلی عنوان ہے
जो अपने अंदर बहुत ज्यादा तफसीलात रखता है। और इसमें जाहिर बात है फिर हमें ये देखना पड़ता है कि मुरव्वजा जो तरीक़ेकार है इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, किस सदी से हुई, सातवीं सदी हिजरी से हुई, बड़े सगीर में 20वीं सदी ईस्वी से ये आया, और फिर आगे ये सिलसिला करते करते 1983 और 84 में बाकायदा सरकारी सतह पर इसको ईद का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया इस हवाले से। तो ईद हम देखें तो एक तो ईद तारीखी तसलसल भी है जिसको हमें देखना पड़ता है कि इसका आगाज और इर्तिका कहाँ से, किन मराहिल से होता हुआ यहाँ तक आया है। दूसरा ये कि आया इसका सबूत शरअन नकलन चारों फिकों से जो दुनिया में फैली हुई है इस वक्त, या अहकाम उसूल के एतबार से, अहकाम शरिया तकलीफिया के एतबार से, या तारीखी एतबार से, अखलाकी एतबार से, या उर्फी एतबार से, या अकली एतबार से, किसी भी तरह आया इस दिन के हवाले से जो कुछ चीज़ें सामने आती हैं जो सिलसिले, और अल्लाह माफ़ फरमाए कुछ सालों से तो इस दिन के नाम से लेबल लगाकर इस दिन का ऐसे ऐसे फवाहिशात भी सामने आ रही हैं, ऐसे ऐसे बेहुदा नक्शे भी हमें दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अल्लाह की बना। तो जाहिर बात है इस्लाम से या बाकी जो मैंने इस्तिलाहात गिनी हैं किसी भी पेराए में इसकी इजाजत या इसका सबूत तो हमें कतान नहीं मिलता। ये तो मैं इजमाली एतबार से आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, जाहिर बात है इसमें से हर पॉइंट के नीचे अच्छी खासी तफसीलात हैं। फिर ये भी है कि जो लोग इसको मनाते हैं करते हैं उन लोगों के अपने दलाइल क्या हैं और उनके जवाबात क्या हैं, तरजीहात क्या हैं, निकात क्या हैं अहम अहम, और इस तरह के दीगर जो शरी उसूल हैं इस हवाले से वो क्या हैं कि जिनकी रोशनी में आदमी सुन्नत और बिदत की पहचान भी कर सकता है, शरीयत और गैर शरीयत की पहचान भी कर सकता है। क्योंकि ये तो तयशुदा बात है कि दीन हर वो चीज़ नहीं है कि जिसको मैं या आप या कोई भी आदमी उठे और अपनी मर्जी से एक बज़ाहिर एक अच्छा अमल ईजाद करें, गढ़े अपनी तरफ से और गढ़ कर उसको फिर वक्त की बड़ी अहम इबादत और अहम दीनी तकाजा शुमार करें, उस पर अजर व सवाब के दावे रखें और उसके कायल जो लोग न हों तो अदम कायलीन पर फतवे लगाए जरा करें और इंतशार मुल्क के अंदर माशरे के अंदर फैलाए, तो इसकी तो कतान इस्लाम में कहीं भी गुंजाइश नहीं है। दीन तो तयशुदा चीज़ है जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ से उम्मत को मिल गया है, जिसको आप अलैहिस्सलाम ने उम्मत के सामने अल्लाह की तरफ से पेश कर दिया है, जिसको सहाबा ने समझा है, सहाबा से आगे ताबईन तब ताबईन बाद के लोगों ने फिर इस तरतीब से मरहलावार लिया है। अब वो 220 साल जो खैर कुरून के गुजर गए उसमें जो चीज़ सामने आई दीन के नाम से वो हमारे लिए बिल इत्तेफाक दीन बन गई, खैर कुरून 220 साल दौर। अब उसके बाद जो भी कोई नई चीज़ निकालेगा इस्लाम के नाम पर, मज़हब के नाम पर, तो जाहिर बात है उसूलन वो शरीयत या इस्लाम का काम नहीं हो सकता। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, किसका क्या नज़रिया है, किसका क्या तरीका है, इन चीज़ों में हमें पढ़ने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। लेकिन हम जो बात करते हैं वो उसूली एतबार से करते हैं, और उसूली एतबार से अगर हमारे नज़रिए या हमारे अकीदे के ऊपर कोई चीज़ कोई हर्फ आ रहा होता है, कोई एतराज़ आ रहा होता है या कोई सवाल ही आ रहा होता है तो उसका जवाब देना भी हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। अब जाहिर बात है जब मुआशरे में बहुत सारे ऐसे सिलसिले देखने को मिलते हैं, सवालात पैदा होते हैं कि आप इस्लाम को सारे मुसलमानों के नबी हैं, रसूल हैं, तो आया सबको ये काम करने चाहिए,
फिर जो करते हैं वो तो करते हैं, जो नहीं करते तो उन पर सवाल पैदा होता है कि आपको खुशी नहीं है। जी बिल्कुल खुशी है, और हद दर्जा खुशी है, ऐसी खुशी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन खुशी के इजहार का तरीका भी हमें उसी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने और इस्लाम ने हमें बताया है, तरीकाकार भी वही बताया है। इसलिए अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत जरूरी है, ईमान है, ईमान का हिस्सा है, अकीदा है, लेकिन अपने तौर पर नहीं, जिस तरह वो चाहते हैं अल्लाह उसके रसूल उस तरह। और याद रखें बड़ी खूबसूरत बात हुई है मौलाना हनीफा जालंधरी साहब ने नाज़िम इफाकुल मदारिस अलअरबिया मुल्तान बोर्ड ऑफ पाकिस्तान, वो बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं कि सुन्नत यही है कि अल्लाह उसके रसूल को राजी किया जाए, खुश किया जाए जिस तरह वो चाहते हैं, जिस तरह तरीका उन्होंने बताया है। और बिदअत ये है कि आप अल्लाह उसके रसूल को ही राजी करना चाहते हैं लेकिन तरीका अपना गढ़, अंदाज अपना गढ़ के अपनी मर्जी के मुताबिक आप अल्लाह को उसके रसूल को राजी करना और मोहब्बत करने, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। तो जाहिर बात है जब आप अपनी तरफ से कोई चीज, कोई अंदाज, तरीका निकालेंगे दूसरी का नाम तो बिदअत होगा। और वजह भी यही है कि अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले सबसे ज्यादा अंबिया और खासकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दीन को फैलाने और पहुंचाने और मुकम्मल करवाने वाले, मुकम्मल दीन उम्मत तक पहुंचाने वाले वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने जिस चीज पहुंचानी थी वो सब पहुंचा दी है। अब अगर कोई नए मसाइल पेश आएंगे, ऐसे मसाइल जो उस वक्त मौजूद नहीं थे, ऐसे मसाइल जिनके बाइस और मुहर्रिकात, बवाइस और मुहर्रिकात और असबाब उस वक्त मौजूद नहीं थे, बाद में पेश आए, आज उनका मसाइल, उन मसाइल का हल हम कुरान और हदीस से मुस्तंबत उसूलों से निकालेंगे। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि एक काम जो उस वक्त हो सकता था उसका सबब भी मौजूद था लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, सहाबा ने, ताबीन, तबा ताबीन, खैरुल कुरून ने नहीं किया, और आज हम मोहब्बत और इश्क के नाम पर अगर करेंगे तो जाहिर बात है हम उनसे बड़े मोहब्बत और आशिक, मुहिब और आशिक नहीं है। वो हमसे बड़े लोग थे, उनकी मोहब्बत हर लिहाज से काम थी, उनकी मोहब्बत हुजूर के लिए इतनी थी कि अपने माँ बाप की परवाह भी नहीं रखते थे, माँ बाप की परवाह भी नहीं रखते थे, वो अपने बीवी बच्चों की भी को भी खातिर में फिर नहीं लाते थे। अब वक्त नहीं कि मैं उन वाकयात की तरफ जाऊं, जिन लोगों ने सहाबा की जिंदगी पढ़ी है वो मेरी बातों को समझ रहे होंगे, उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिया हुजूर की खातिर, अपनी जायदादें तकसीम कर दी हुजूर के इशारों पर, वो हुजूर के इशारों पर खुद भूखे रहे, औलाद छोटी छोटी मासूम औलाद भूखी रखकर अल्लाह के नबी के मेहमान को खाना खिला गए। वो ऐसे मोहब्बत वाले थे, कोई हमारी तरह डकार मार मार के मोहब्बत के दावे रखने वाले नहीं थे कि हमारी तरह खा पी के डकार मार के चेहरे को देखें तो यहूदियों ईसाइयों के मुताबिक, बाल देखें यहूदियों ईसाइयों के मुताबिक, लिबास देखें यहूदियों ईसाइयों हिंदुओं के मुताबिक, नजरियात और रफ्तार देखें यहूदियों ईसाइयों के उनके मुताबिक, वजह में हो तुम नसारा, तमत्तुम में हो तुम हनूद, आज ये वो मुसलमान है जिनको देख के शर्माए यहूद। आप मैं इश्के रसूल में जान भी कुर्बान है, आज तरह मुंह दमार चुरुंड मुरुंड हो गए, उतना नया नाम रेज हो जाए करने लगेगा, इश्के रसूल में जान भी कुर्बान है, दाढ़ी नहीं रखी जा सकती बेचारे से, दाढ़ी नहीं रखी जा सकती, जान सारी कुर्बान है। तो ये जान में तो चेहरा भी है, दाढ़ी भी है मौसूफ, अगर तुझे हुजूर से इतनी मोहब्बत है, जिससे मोहब्बत होती है उसकी अदाएं चुन चुन के अपनाई जाती है ना, तो हुजूर से मोहब्बत है तो हुजूर का चेहरा दाढ़ी वाला था ना, तेरा क्यों चुंड मुंड है, चुंड मुंड होके कहता है इश्क रसूल, इश्क रसूल। अजीब बात है, शलवार मर्द होके पांचे टखनों पे डाल के कहता है इश्क रसूल में जान भी कुर्बान है। और हुजूर की रिवायात पढ़, इस पर इतनी रिवायात इस पर आई है, कोई छोटा गुनाह नहीं है, अक्सर उलमा इसको कबीरा गुनाह कहते हैं, बड़ा गुनाह है, तकब्बुर है। तो
सारे काम, यानी वो गैरों वाले कर रहा है और दावा रखे हुए है कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। इस पर किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अशआर पढ़े, शायर कहते हैं अरबी का, तासिल इलाह वअंत तुज़हिरु हुब्बहु हादा मुहालुन फिल फिआल बदीउ लव काना हुब्बुका सादिकन अताअतहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ। शायर बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, कहते हैं तासिल इलाह वअंत तुज़हिरु हुब्बहु, जान जान के रब की नाफरमानियां कर रहा है और जुबान पर इश्क मोहब्बत के दावे से जाएगी, जान जान कर अमली तौर पर उस अल्लाह की नाफरमानियां कर रहा है और जुबान से नारे लगा रहा है इश्क रसूल में, इश्क इलाही में जान भी कुर्बान। और हादा मुहालुन फिल फियाल बदीउ, ये बहुत ही ओपरी और अजीब सी बात है कि तेरी जुबान तेरा काल तेरे हाल को जुटला रहा है, तेरे जुबान पर कुछ और आया है, तेरा जिस्म सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक गैर का गुलाम है, गैर का गुलाम है। अफकार में वो आज भी मुशरिकीन मक्का के बहुत सारे गुलाम है, वो कहते थे उल्लू बोलता है तो मामला गड़बड़ हो सकता है, ये कहता है कौवा ज्यादा बोलता है मामला गड़बड़ हो सकता है, वो निकलते थे परिंदा हाथ पर रखते थे दाएं बाएं को देखते थे, दाएं दिया है सफर अच्छा है, बाएं दिया है बुरा है, ये निकलते हुए अपनी किस्मतें रोड के किनारे बैठा हुआ एक दज्जाल उससे कहते हैं 10-20 रुपए ले मेरी किस्मत मालूम कर सफर कैसा रहेगा, ये साल के शुरू में अखबारें लेकर अपनी किस्मतें मालूम करता है साल कैसे गुजरेगा, वो जाकर जो है बुतों के नाम के चढ़ावे चढ़ाते थे जो खड़े बुत होते थे, और यहां आज पड़े पड़ों पर जाकर अपने बकरे छतरे हसम शरीफ मुल्ला जीदा खतम शरीफ, वो सारे काम वहां से सिलसिले चले आ रहे हैं बहुत सारे ऐसे, और वो भी कहते थे सितारे दाएं हुए बाएं हुए बारिश हो गई, और ये हजरत मौसूफ भी कहता है नीचे बैल ने सर हिलाया जलजला आ गया। मैं चंद मिसालें आपको दे रहा हूं, इस तरह की कई मिसालें, वो भी छुरी सरहाने रख के कहते थे बच्चा डरेगा नहीं, आज की बाज माएं भी जिहादत में छुरी रख के कहती है बच्चा डरेगा नहीं, वो भी अपने जानवर लाकर बुतों के सामने कलमों में जमा कर लेते थे, ये भी आज अपने 2 नंबर 6 नंबर पीर के कदमों में बकरा लाकर तगारी में जो है इसको जमा करके कहते हैं हजरत के नाम बकरा जमा होता। तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां से आज भी यहां तक मुंतकिल हुई है, वो भी बास चीजों को देखकर अपनी किस्मत खरी खोटी मालूम करते थे, ये भी आज अपने ऊपर मकड़ी चढ़ा हुआ देखता है तो कहता है आज मेहमान आ रहे हैं, पहले दौर में कहते थे बड़ी खुशी की बात है मेहमान आ रहे हैं, आजकल महंगाई ज्यादा होगी तो कहते हैं अल्लाह ही बचाए, आजकल बबुल पासे पर हो पर पड़ते ना दूरी ले जुड़े तो आज। तो ये नजरियात जो यहाँ आज हमारे यहाँ आए हैं ये नजरियात पीछे से चले आ रहे हैं, तो अफकार में नजरियात में तो आज भी वो शिर्क की बू बहुत सारी आ रही है माशरे में, वो भी कहते थे कि हम इन बुतों को इसलिए पूछते हैं लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, कि ये हमें अल्लाह के करीब करेंगे, क्योंकि ये बुत हमारे किसी नेक आदमी की शक्ल पर बनाए हुए हैं, हम इसको पूज कर नेक आदमी को खुश करते हैं और नेक आदमी खुश होता है तो फिर अल्लाह हमसे राजी होता है। और ये हजरत भी आके फला सरकार के नाम की नजर और न्याज और फला सरकार के नाम की नजर और न्याज चढ़ावे चढ़ाता है, कहता है सरकार खुश हो गई तो हमारा काम ऊपर से बन जाए, तो इसलिए ये काम तो बहुत पीछे से नजरियात हमें चले आ रहे हैं, हम गुलाम तो अगर देखें बहुत सारे नजरियात तो वहां पीछे जाके लग रहे हैं, और ज़ाहिरी शक्ल सूरत में अगर हम देखें, ये मैंने नजरियात की मिसालें दी हैं, मुशरिकीन मक्का के साथ हमारे लिंक्स मिल रहे हैं अल्लाह माफ फरमाए, हमारे बिगड़े हुए मुआशरे रुसूम जाहिलियत के साथ, उधर से जरा आप तहजीब तमद्दुन को देख लें, शादी गमी के मसाइल को देख लें,
हिंदुओं से लिंक्स मिल रहे हैं, हिंदुओं से। ये बारातें कहां से आई हैं? हिंदुओं से आई हैं। ये डोलियां शोलियां किधर से आई हैं? ये हिंदुओं हिंदू रस्म रिवाज से आए। ये गाने शाने पहनाने दूल्हा को कहां से आए? ये हिंदुइज्म से आया है। ये लड़की को सेज पर चढ़ाना, कटियां तोड़वाना, ये मेहंदियां रगड़वाना, ये कहां से आया है? मैया दी राग बिठाना, ये किधर से आया है? हिंदुइज्म से आया है। ये तो मैंने खुशी की मिसाल दी है, मैं मेरा चूंकि मौजू नहीं, अब बात इस तरफ चल पड़ी है। और है आप इश्क रसूल में जान भी कुर्बान है। जरा अपनी रविश को देख, जरा अपने नजरियात को टटोल, जरा अपने तहजीब तमद्दुन को टटोल। तू गुलाम किसका है? नाम से कुर्बान, वैसे ही कुर्बान, इस तरह तो नहीं होता। गमी में आए, फौत हो गया, ये तीजा चालीसवा जुमराता सलाना फलाना, ये चलम, ये किधर से आए हुए? इंदिरा गांधी का बेटा फौत हुआ, दुनिया के अखबारों में आया, उसने अपने बेटे की रस्म चलम मनाई। आज भी हिंदुओं को उठाए उनके यहाँ रस्में, कुल रस्में, कुल रस्म 21वां गंगा शंगा, आप पढ़े नजर रस्म। अल्लामा बैरूनी जो मुसलमान हुए, पंडित थे साबिक हिंदुओं के, उनकी किताब उठाकर तोहफतुल हिंद जरा पढ़े। वो काम जो उनके यहाँ होते थे, वेद पढ़ते हैं, यहाँ कुरान की तिलावत करते हैं, उनका बनिया बैठा होता है, पंडित बैठा होता है, यहाँ का हाफिज साहब मौलवी बैठा होता है, उनका जो है खाने पर हाथ मारता है, ये भी खाने पर हाथ मारता है, वो शुभ करता है, ये भी शुभ करता है, ये किधर से आ रही है सारी चीजें? अच्छा, इसी तरह जो है, और मैं भी कभी कभी कहा करता हूँ लतीफे के तौर पर, चारों पर हाथ मारता है, जर्दे पर हाथ मारता है, तभी तो साल तक भी हाथ मारना जरा समझाओ तो उठा नहीं मारता, उठा नहीं मारता। तो अब इस किस्म के काम वहां से आए हमारे यहाँ, तीजा चालीसवां सलाना चेलम शेलम। और ये भी याद रखें, हमारी टोटल तारीख को 15वीं सदी हिजरी चल रही है, 15वीं सदी हिजरी, और हिंदू 450 साल पुराना मजहब है, वो पहले से चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमने तहजीब तमद्दुन में वहां से ली है, और हम गुलाम हैं नबी के, रसूल के गुलाम हैं। जरा तहजीब तमद्दुन चेक कर, आपने जरा नजरियात चेक कर, मुशरिकीन मक्का से लिंक्स मिलते हैं नहीं मिलते? ये मैंने कुछ मिसालें दी है समझने के लिए। आगे चलिए, जाहिर पर आइए, सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक इसको देखिए, ये किसके साथ मिल रहा है? यहूदियों के साथ और ईसाइयों के साथ। आज के एक मुसलमान को किसी यहूदी और ईसाई के बीच में खड़ा कर दें, और किसी कोपरे आदमी से, अजनबी आदमी से पूछें, बताओ इनमें मुसलमान कौन है, वो बेचारा बता नहीं सकेगा कि इनमें मुसलमान कौन है। अपनी शनाख्त गुम कर दी है, अपना इस्लामी तशख्खुस गुम कर दिया है। हमें हमारे नबी ने एक शनाख्त दी थी, एक इस्लामी तशख्खुस दिया था। ये मुसलमान दर्जनों किस्म के कुफार में खड़ा भी होता था तो देखने वाला महसूस करके कहता था ये मुसलमान है। आज इसने अपनी शनाख्त गुम की है, यहूदियों ईसाइयों के दरमियान में खड़े होकर भी नहीं पहचाना जा रहा। बल्कि बड़ा अलमिया तो ये है कि सिखों ने अपनी पहचान रखी हुई है, उनका आवारा एक्टर भी होता है, आवारा गुलूकार अदाकार कलाकार भी होता है, अगर ड्रामों में काम करने वाला, तो उसने अपनी पगड़ शगड़ वो सारी चीजें उसने कायम रखी होती है, उसकी शनाख्त कायम है। मुसलमान अपनी शनाख्त को खो बैठा है, खो बैठा है, कोई पता नहीं चलता ये किस मजहब के साथ आता है। और गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। नारे लगाने से क्या होता है यार? सर तहजीब देखिए, तमद्दुन देखिए, नजरियात और अफकार परखिए, अपने सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक सीटी स्कैन कीजिए, एमआरआई कीजिए। किसके साथ? उस्वाए रसूल के साथ। मशीन क्या है? उस्वाए हसना रसूल है। अगर उसके मुताबिक स्कैन सही आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा, झूठे दावे नहीं करने चाहिए। यही मैं याद हमें कुरान ने बताया, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني, कह दीजिए ऐ मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए इनसे, अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत के दावे रखते हो, तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो फिर उसकी दलील लाओ। दलील क्या है?
क्योंकि जब आदमी दावा करता है तो उसके क्या पूछा जाता है? दलील। आप जब अदालत में अपना दावा दायर करते हैं ये जमीन मेरी है, तो क्या जज कहता है ठीक है तेरी है? वो क्या कहता है? वकील पकड़ो, वकील के जरिए से अपना पूरा प्रोसेस ट्रायल चलना है तुम्हारा, और तुमने उस पर दलाइल लाना है कि तुम्हारी केस है, तो दलाइल लाओ उसके ऊपर। तो बहरहाल दलील क्या है यहां पर? अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, दावा है तुम्हारा, तो इस दावे पर दलील अल्लाह ने खुद बता दी है, फत्तबिउनी, मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करो। ताबेदारी का क्या मतलब है? अगर कोई कहे हलवा पकाकर खिलाओ, किधर खिलाया मेरे नबी ने? हलवेशन में, जलवेशन में। अगर कोई कहे जी जनरेशन ये लगाओ, ये ताबेदारी है, किधर है ये चीजें? अगर कोई कहे जी जरा धमाल डालो, रक्स करो, दौड़ो, इधर जाओ उधर जाओ, ये चीजें करो, कहाँ ये चीजें? फत्तबिउनी का मतलब क्या है? जो अल्लाह ने बतौर दलील के पेश किया है, इत्तेबा करो। याद रखें कुरान में दो चीजें, इत्तेबा और इताअत, दो चीजों का जिक्र आ रहा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो, वहां इताअत का जिक्र है, फत्तबिउनी यहां इत्तेबा का जिक्र है। इताअत कहते हैं अल्लाह के नबी जो कुछ करे आमाल अफाल उसमें नबी की इत्तेबा करो। इताअत कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम जो फरमाए, जो फरमाए अकवाल उनको भी दो, ये इताअत है। तो कौल में, गुफ्तार में, अगर इरशादात में हुजूर के ताबे हैं तो इताअत है, और अगर आप आमान में अफाल में ताबे हैं तो इत्तेबा। दोनों का जिक्र, दोनों का आर्डर कुरान कर रहा है, फत्तबिउनी वो हमने करने हैं, जो आपने उम्मत को दिए हैं वो हमने करने हैं, जिनसे रोका है उनसे बचना है, जो हुजूर के दौर में हो सकते थे खातिर में नहीं लाए, हमें कोई जरूरत नहीं कि खामुआ को खींच खींच के दीन बनाए, नहीं, मोहब्बत के लिए अल्लाह के नबी का दिया हुआ इतना बड़ा दीन है, फराइज है, वाजिबात हैं, नवाफिल और तबर्रुआत हैं, तो उनको लेकर हम अल्लाह उसके रसूल को राजी करें, वो तरीकेकार है, वो तरीकेकार है। इसलिए मैं आपके सामने बयान कर रहा था कि विलादत आप अलैहिस्सलाम की मुत्तफ़क़ुन अलैह है, कि अब्दुल्ला का दुर्र यतीम, आमिना का लाल, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरजमीन पर अल्लाह ताला ने उनको वजूद अता फरमाया, उनकी बेसत हुई, अल्लाह ताला ने जो है उनकी विलादत हुई, ये सारी दुनिया मानती है, इसका मुनकर कोई भी नहीं, मिलाद और विलादत का मुनकर कायनात में कोई भी नहीं है, मुसलमान तो है ही नहीं है, काफिर भी नहीं है, काफिर भी मानता है, और काफिर भी कैसे मुनकर हो सकता है कि जिस नबी का दीन तो आज दुनिया के कोने कोने में पहुंचा हुआ मुसलमान नजर आ रहा है, मुसलमान दुनिया के कोने कोने में नजर आ रहे हैं, इस तरह इनकार करेंगे? जिन मुसलमानों का मक्का और मदीना आज पूरी दुनिया में शान और शौनत शौकत रखता है, तो बताएं किस तरह की कोई काफिर इसका इनकार कर सकता है? और जिस इस्लाम से खामोखा प्रोपेगंडा करके पूरी दुनिया के काफिर आज मरऊब हुआ पड़े हैं और नाजायज प्लानिंग करते हैं, इस तरह वो इस्लाम का मोहम्मद अरबी का इनकार कर सकते हैं? और जिन आप अलैहिस्सलाम के बारे में मुस्तशरिकीन की जमात सैकड़ों हजारों की तादाद में कई सदियों से लगी हुई है कि इस इस्लाम की जड़ें काटी जाएं, इसको खोखला किया जाए, वो किस तरह इनकार कर सकते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, नहीं लाए, यानी किस तरह इसके कायल हो सकते हैं? तो इसलिए सब मानते हैं। और दूसरी जो बात है उसको भी सब मानते हैं मुसलमान, वो क्या है कि आप अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर, आपका जिक्र तज़किरा, ये इबादत है। आप अलैहिस्सलाम का जिक्र, आपकी सीरत, आपकी सूरत का जिक्र करना, ये मुसलमानों के लिए ईमान की बढ़ोतरी का सबब है। और ये गाहे बगाहे मुख्तलिफ मजालिस में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र करके अपने ईमानों को जोलानी देना, ये सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि जरूरी भी है। आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करना इस पर भी जरूरी है। लेकिन तीसरी जो चीज है वो ये है कि हम
इस मोहब्बत का इजहार उसी तरीके से करें जो तरीका आप अलैहिस्सलाम और सहाबा ने हमें बताया, उसी के मुताबिक हम चलें। अगर उसके मुताबिक चलेंगे इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे, और अगर उससे हट कर हम अपनी तरफ से बनाए नई नई चीजें इस्लाम के नाम पर और जो है मोहब्बत के नाम पर, तो कतान उनका फिर जो है ना मोहब्बत में हम आगे जा सकते हैं ना मोहब्बत का सबूत पेश कर सकते हैं। तो कुरान ने हमें साफ बता दिया फत्तबिउनी हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तेबा करो, युहिब्बुकुम अल्लाह, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तेबा करोगे नतीजा क्या होगा, अल्लाह तुम्हें महबूब रखेंगे, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देंगे, वल्लाहु गफूरुर रहीम। अब ये जो मैंने कहा ये तो हुआ वो बुनियादी सिलसिला, तमहीदी सिलसिला जो आपके सामने मैंने पेश किया कि आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ऐनी ईमान है, जरूरी है, लेकिन उसका इजहार भी जरूरी है कि इस्लाम के उसूलों के मुताबिक किया जाए। तो बहरहाल ये मौजू तो मैंने कहा बहुत लंबा चौड़ा, अब यहाँ पर ये एक नुकता भी आप ज़हन में रखें कि जिस चीज को हम पे अपने तौर पर बेहतर समझें कि ये ठीक है, और बज़ाहिर सारे जो जिन लोगों को इस्लाम के उसूल मालूम ना हो वो मुसलमान भी उसको अच्छा कहें, यानी अवाम, उलमा की बात नहीं करता, मुतासिबीन की बात नहीं करता, तो आप कहें वो ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो। हर काली चीज खजूर भी नहीं होती, हर सफेद चीज चांदी भी नहीं होती, कभी मसला खराब भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर देखें कि अब नमाज कितनी अहम इबादत है, लेकिन अगर आप इस अहम इबादत को, नमाज जैसी अहम इबादत को सूरज निकलते वक्त पढ़ेंगे आप गुनाहगार हैं, क्योंकि ये तरीका आपने अपनी तरफ से गढ़ा है। इस वक्त में आप इस्लाम और सहाबा से नमाज पढ़ना मंजूर नहीं, बल्कि इस पर बंदिश भी है, रोका गया है, लिहाजा हमने नहीं पढ़ी, पढ़ के गुनाहगार होंगे। सूरज ढलते वक्त नमाज पढ़े गुनाहगार हैं, 11:50 से 12:10 तक सूरज गुरूब होते वक्त पढ़े गुनाहगार हैं, गुनाहगार हैं। रोजा एक अच्छी इबादत है, लेकिन आप ईद वाले दिन शुरू कर दें, ये तरीका आपने अपनी तरफ से निकाला है मोहब्बत का, ये सारे चीज दुनिया में आज खा रहे हैं, पाकिस्तान में खा रहे हैं, मैं आज भूखा रहकर अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करता हूँ, ये कोई मोहब्बत शब्द नहीं है, आप गुनाहगार हैं। अपनी तरफ से आप कोई चीज दीन में नई चीज नहीं गाड़ सकते मोहब्बत के नाम पर, इश्क के नाम पर, जो आया है दीन आप उसी को लेके आगे चले, ये है मोहब्बत, ये है इत्तेबा, ये है इताअत। इसी तरह आप देखें कि ईद वाले दिन इशराक, इशराक जो होते हैं वो ईद वाले दिन आप नमाज ईद की नमाज से पहले नहीं पढ़ सकते, जब आप ईदगाह में आएंगे तो ईदगाह में भी आप नहीं पढ़ सकते, ईदगाह में जब ईद की नमाज हो जाए तो उसके बाद भी आप इशराक नहीं पढ़ सकते वहां ईदगाह में। आई बात समझ? आप कोई कहे ईदगाह में रोजाना इशराक पढ़ता हूँ तो आज ईद वाले दिन क्यों ना पढ़ूंगे, तो पढ़ूंगा। तो जब एक चीज एक तरीका नहीं आया भाई, आपकी तरफ से आप मोहब्बत और इश्क के नाम पर चीजें नहीं कर सकते। इसी तरह खतना इस्लाम से साबित है, क्योंकि बच्चा है उसका खतना किया जाए, वाजिब है बच्चे का खतना। लेकिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु को एक शख्स ने कहा बच्चे का खतना है, दावत का एहतमाम किया है, आप दावत पर तशरीफ लाइए। तो हजरत उस्मान साहबी कहते हैं खतना तो है, ये खतने की दावतें कहाँ से आई हैं, कौन सी हदीस से निकाली है, किसने बताई है आपको दावतें कहाँ से निकाली है, वो तो इतनी बारीकी चीज आपको कहते हैं दावत अच्छी चीज होती है ना जी, जिसमें भी करो, तो साहबी क्यों सवाल कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जब आप दीन के साथ दीनी अमर के साथ जोड़ के कोई काम करते हैं, और खासकर वो शख्स करे जो दीन में मुक्तदा भी हो, पेशवा भी हो, तो उसका वो फेल दूसरे आम लोगों के लिए कभी कभी हुज्जत बन जाते हैं, होना नहीं चाहिए, हुज्जत होना नहीं चाहिए, बन जाते हैं। इसी तरह आप देखें चाश की नमाज साबित है, लेकिन चाश की नमाज इनफिरादी साबित है, एक जगह जमात होते हुए देखी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया कि चाश की नमाज तो है, जमात कहां से निकाली। अब जमात के साथ पढ़ना अच्छी बात है या बुरी बात है, बज़ाहिर बज़ाहिर अच्छी बात है, लेकिन जब किसी नमाज के लिए जमात ना हो और आप उसको जमात के साथ पढ़े तो ये बुरी बात है। क्यों बुरी बात है, जवाब यही आएगा तरीका नहीं है। तो जिस चीज का सबूत नहीं है, जिस तरीके का आप लाख उसको अच्छा कहें, वो आपके कहने से अच्छा नहीं बनेगी।
और इधर तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि एक 6 नंबर पीर से किसी ने पूछा, जोर के 4 रकातें थी, इमाम ने 6 पढ़ा दी, क्या मसला होगा? तो कहता है जितना गुड़ पाओ उतना ही मीठा होता है। तो ये बुढ़ा जी गलत नहीं, दीन और चीज है भाई, दीन बुढ़ छोड़ नहीं है। दीन में जो चीज ऊपर से आई है उसको आप लेके आगे चलेंगे, अपनी तरफ से टोटके आप नहीं लगा सकते। इस तरह टोटके लगाएं तो दीन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप जो चाहें हर साल नई नई चीज पर निकालें। तो किसी ने कहा जी ठीक है, आप ईद मनाते हैं मनाते रहें, आपने मनाए मनाते हैं, तो बाकी दो ईदों में हम नमाज भी पढ़ते हैं, तो इसकी नमाज कहाँ है? तो कराची से एक मौसूफ ने कहा ये कौन सी अजीब बात है, हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, दौर का नमाज शुक्राना, दौर का नमाज शुक्राना, ईद ईद मिलाद नबी अल्लाह। मैंने कहा अगले साल खुतबे भी निकाल लें, खुतबे भी निकाल लें। ये तो चलती गाड़ी है, चलती का नाम गाड़ी है। इसका मतलब ये है कि अभी दीन मुकम्मल नहीं हुआ, अभी दीन मुकम्मल, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ دین مکمل ہو گیا ہے، آپ ٹوٹکے بوٹکے نہیں لگیں گے ساتھ۔ یہ کوئی یہودیت اور عیسائیت نہیں ہے کہ نبیوں کے جانے کے بعد ٹوٹکے لگتے چلے جائیں گے۔ یہ کھرا دین ہے، سچا دین ہے، حق دین ہے، جو آنا تھا آ چکا ہے، اب قیامت کی صبح تک یہی چلتا رہے گا۔ نئے مسائل کا حل اصولوں کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن دین کے نام پر نئے ٹوٹکے نہیں بن سکتے، وہ بدعات اور خرافات کرا پائیں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ تب ہی فرماتے ہیں جو شخص دین میں کوئی نئی چیز گڑے اور گڑ کر پھر اس کو عبادت اور ثواب سمجھے، تو اصل میں وہ شخص آپ علیہ السلام پر معاذ اللہ خیانت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو دین انہوں نے پہنچانا تھا مکمل، معاذ اللہ وہ مکمل نہیں پہنچایا، اب میں اس کو مکمل کر رہا ہوں۔ کو خیال کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ چیزیں اسی طرح دیکھیں، سورج گرہن کی نماز ہے، نماز کسوف اور خسوف۔ سورج گرہن دن کو ہوتا ہے، دن پہ جب گرہن ہوتا ہے تو اس میں ظاہر بات ہے لوگ جاگے ہوتے ہیں، وہ جماعت اگر کوئی نماز کوئی پڑھنا چاہے تو وہ کون سی نماز ہوگی؟ جماعت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہوگی؟ جماعت کے ساتھ۔ چاند گرہن رات کو ہوتا ہے، رات کو لوگ سوئے ہوتے ہیں، عموماً اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ وہاں اگر نماز آپ نے پڑھنی ہے تو وہ آپ لوگوں کو جمع نہیں کریں گے، آپ علیحدہ علیحدہ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، خسوف۔ اب یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، دیکھیں آپ کوئی اٹھے نہیں کہ جب سورج گرہن پر جماعت ہے تو چاند گرہن چند بھی اس طریقہ پر آئے اس دن آدمی بھی جماعت کرا سکتے، ٹوٹکا لگائے گنہگار ہوگا۔ تو میں نے کہا دین نام ٹوٹکوں کا نہیں ہے، جو وارد شدہ نازل شدہ دین آیا ہے بس وہ دین ہے، آپ اپنی طرف سے نہیں گھڑیں گے اس کے ساتھ۔ تبھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچتے ہیں اپنے غلام کے ساتھ، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے اور غلام ان کو لیے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کس چیز کی؟ یحللون ویسبحون لا الہ الا اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ذکر ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اچھا ذکر ہے۔ یہ آوازیں ملا ملا کر، آوازیں ملا ملا کر مسجد میں آواز آ رہی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ تو بدعتی قوم ہے کوئی، کہ جنہوں نے نئے نئے طریقے دین میں ایجاد کر لیے ہیں، ہمارے نبی نے یہ چیزیں ہمیں نہیں بتائی۔ اب عبداللہ بن مسعود پر بھی کوئی فتویٰ لگائے گا کہ انہوں نے سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو بدعتی کہا ہے؟ ہے اسی وجہ سے کہا ہے کہ جو کام حضور کے دور میں نہیں آیا آپ بعد میں اس کو عبادت، فرض، واجب، سنت، مستحب بنا کر اور نہ کرنے والوں پر گستاخ کے فتوے لگا کے جب چلے گئے تو پھر بدعت کا حکم تو لگے گا لازم۔ یہ اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں تکبیرات تشریق ہیں، آپ جب تکبیرات تشریق آتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولله الحمد۔ کتنی بار پڑھتے ہیں نماز کے بعد بلند آواز سے؟ ایک بار۔ کتنی بار؟ ایک بار۔ ایک بار واجب ہے، پڑھنا بھی واجب ہے، اونچا پڑھنا بھی واجب ہے۔ تین بار کوئی اگر پڑھے تو عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جائز ہے،
इसलिए बाज हजरात उसको मुस्तहब कहते हैं कि ये सिर्फ इन्हीं से ये बात साबित है तीन की। लिहाजा अगर कोई तीन कहता है तो इनसे साबित है मुस्तहब का दर्जा, क्योंकि जो बात सिर्फ सहाबी से एक सहाबी से आ जाए उसको भी हम मुस्तहब कहते हैं। जिस तरह तलकीन कब्र के ऊपर जब आप मुर्दे को दफनाते हैं तो सूरह बकरा का अव्वल और आखिर पढ़ते हैं ना, तो ये तलकीन ये भी सिर्फ अब्दुल्ला बिन उमर से साबित है, सिर्फ अब्दुल्ला बिन उमर से साबित है, इसको भी हम क्या कहते हैं मुस्तहब। मुस्तहब का मतलब है पढ़ने सवाब है ना पढ़े कोई मसला नहीं, लेकिन बाज़ उलमा अब्दुल्ला बिन उमर की इस रिवायत को इतना कमजोर समझते हैं दलाइल की दुनिया में कि वो कहते हैं एक से ऊपर जायज नहीं है, बिदअत है। भाई बात समझ, चले तीन ही कह दें आप, तीन मान लेते हैं, तो चार मरतब अगर भी पड़ेगा तो बिदअत होगा या नहीं होगा बताएं, बिदअत होगा कि नहीं होगा, क्यों बिदअत होगा, जो लिमिट थी क्रॉस कर गया, तो साबित दीन से भी कोई आगे जाए लिमिट क्रॉस करे बिदअत होता है, जो पूरा पूरा टोकरा ही बिदअत का गढ़ के लगा के फतवे लगाए यार वो किस तरह आशिक रसूल हो जाता है, मुझे समझ नहीं आई इस बात, तो बिदअत का पूरा टोकरा ही गढ़ के ले आए, तो सिर्फ एक साबित शुदा चीज में एक पॉइंट आगे जाके बिदअत हो जाता है। इसलिए ये उसूलों को समझने की दुनिया है, अगर कोई आदमी उसूलों को समझे बहुत अच्छी बात है। आप इदैन की नमाज पढ़ते हैं, आप अजान देते हैं, इकामत करते हैं कि नहीं करते, नहीं करते ना, अजान होती है ना इकामत। यहाँ बहुत अवसर पहले की बात है, एक हमारे मुक्तदी थे हैं अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, तो उन्होंने इकामत शुरू कर दी। इम्तियाज साहब आजकल भी जब ईद होती मुझे कहते हैं इकामत शुरू करा, वो उसी वाक्य को याद करते हैं, तो आप सारे देख रहे थे, मैंने कहा छोड़ दो बजट में वहाँ क्या रखी मैंने बरकी दी जैसे। अच्छा अब इकामत हो गई, अब देखें ईद में इकामत नहीं आई ऊपर से, अजान भी नहीं आई, ईद में जमात होती है या नहीं होती, जुमे में आप दो अजाने देते हैं कि आओ है, आओ है, और ईद में एक भी नहीं देते आप, अकल तो कहती है अच्छी गल है यार अल्लाह ना ही गुनाह को देखा यार, अकल चकल नहीं है नकल है नकल, अगर कोई दे तो तुम भी कहते हो बिदअती है, तो हम तुमसे ही पूछते हैं हजरत जो तुम सारे कुछ करते हो ये किधर से आया है, ये कहां से मोहब्बत और दीन आई है, आप रविश में गौर करें ना जाहिर आपने, अजान नहीं देते आप, इकामत नहीं करते। अच्छा फिर बड़ी अजीब सी बात करते हैं, रोका किधर है, कहां रोका गया है, कहां रोका गया है, रोका नहीं गया, तो आसान सा जवाब यह है कि भाई अगर इस तरह की बात करेंगे कि आप रोका कहाँ है, रोका नहीं गया, तो इस तरह तो फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। सुबह की हमें सुबह शाम में कितनी नमाजें हमारे ऊपर फर्ज हैं, पांच, छह नमाजें पढ़ने से रोका है किसी हदीस में सुनाए, तो कभी कभी छह भी पढ़ लिया करें, सात भी पढ़ लिया करें, आठ भी पढ़ लिया, नहीं 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 बिदत है उस मौसू की भी बिदत है, तुमने कहा है ना रोका नहीं गया तो इधर भी नहीं रोका गया ना, तो इधर क्यों नहीं पढ़ते छह से सात सात आठ आठ नमाजें। अच्छा बैतुल्ला के कितने तवाफ करते हैं आप, सात आठ नौ दस से रोका गया हदीस लाए, तो कभी कभी आठ आठ नौ नौ भी कर लिया करें, तो मौसू कहेंगे बिदत है, तो हम कहेंगे क्यों, कहते हैं साबित नहीं है, हम कहेंगे हजरत यहाँ भी साबित नहीं है, मना होना जरूरी नहीं है, जब चीज साबित नहीं है उस वक्त होने बायस और मुहर्रिक होने के बावजूद फिर भी बिदत, क्योंकि बेदत की खुद अपनी पांच किस्में हैं, अब वक्त नहीं है कि मैं उनकी तरफ जाऊं। इसी तरह आप देखें कि अजान अल्लाह अकबर से शुरू होती है, और मोहब्बत का तकाजा जो आजकल नया निकला है वो कहीं और से शुरू करता है, तो हम कहते हैं ये तकाजा फिर नमाज में भी पूरा करो, अल्लाह अकबर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला पढ़ लो सना और सना सुभान अल्लाह उमर दुरूद की जगह जाके पढ़ो, तो कहते हैं नहीं 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 इस तरह नहीं होगा, तो हम कहते हैं इधर भी अल्लाह अकबर से अजान शुरू होती है कहीं और से नहीं होती, तो अब यहाँ कहते हैं नमाज टूटेगी खराब होगी, तो हम कहते हैं वहां आप नमाज का औसत खराब है अजान का औसत खराब कर रहे हैं, उस बात समझ ने किया, अगर किसी को अल्लाह ने अकल दी हो उसूलों को इल्म के उसूलों को समझता हो ना कवायद को उसके लिए ये चीज समझना कोई मुश्किल नहीं है, वो फौरन समझेगा। आप अलैहिस्सलाम ने बराए बिन आज़म सहाबी उनको रात की दुआ सिखा रहे थे, उस रात की दुआ में चलते चलते एक लफ्ज आया बिनबी जी का, क्या लफ्ज आया बिनबी जी का, उन्होंने पूरी दुआ उसी तरह पढ़ी जिस तरह आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, सही बुखारी में रिवायत मौजूद है,
और जहां उन्होंने आपने सामने फरमाया था बी नबी ही का, वहां उन्होंने कह दिया बी रसूल ही। अब रसूल और नबी में तीन फर्क है, कितने फर्क है? तीन फर्क है जिन्होंने पढ़े हैं। उनमें एक ही है कि मिल भी जाते हैं, गठे भी हो जाते हैं, मुतरादिफ भी हो जाते हैं, मुतरादिफ। अब कितना सा इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन हुजूर ने फौरन टोका कि जो लफ्ज मैंने पढ़े हैं ना बिना बीजी का, आपको किसने इख्तियार दिया कि आप उसको हटाकर फिर रसूल ही का लगाए? तो जब हुजूर के काम को, उनके कलेमात को, लाए हुए दीन को सहाबी नहीं तब्दील कर सकता, आज का हजरत उठ के कैसे तब्दील कर रहा है, टोट के लगा रहा है? ये चीजें नहीं है। इसलिए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के सामने एक शख्स ने छींक आई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल व सलाम अला रसूलिल्लाह, ये उसने, और ये पट होता है हम यानी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो उस शख्स ने इसको यूं पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल व सलाम अला रसूलिल्लाह, उसने चल अल्लाह ता हम भी पढ़ते हैं अल्लाह से नाल नबी अलैहिस्सलाम का सलामती भी पहचो दे, बजाय काम अच्छा किया है ना कि अल्लाह की हम भी किया और नबी पर सलामती भी पहची है। लेकिन चूंकि आगे रिवायत में ये चीज साबित नहीं है, तो जब साबित नहीं है तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फौरन टोका, आप अगर नवा आशिक ना पढ़ता कर नबी नबी गला कट कर देख के बहरा हमारा जितना है उतना ही पढ़। ये जो आज हम पढ़ते हैं चौथा कलमा उसमें पढ़ते हैं आबादन आबादा अबादन अबादा, उलमा इस पर नकीद करते हैं, ऊपर से अबादन अबादा चौथे कलमे में नहीं आया, अपनी तरफ से मोहब्बत के नए नए गणतूरा निकाल। आप दुआ पढ़ते हैं अजान के बाद रफिया, ने इस पर रद्द किए कि वह दरजा रफिया आता नहीं आया, टीवी पर भी नहीं पढ़ते रहते, सोच उसमें भी देखें आप, तो इस पर रद्द किए कि वह दरजा रफिया आता का जो लफ्ज है ये साबित नहीं है। जब साबित नहीं है तो आप अपनी तरफ से टोटका नहीं लगा सकते। ये मैं आपको बता रहा हूं, आपके दिमागों पर दस्तक दे रहा हूं कि हम कोई गपशप नहीं है, जो चाहे जी भर दे, इस्लाम हो गया जी, इबादत हो गई, इश्क हो गया, मोहब्बत हो गया, नहीं नहीं वो साबितशुदा चीज है हजरत, अपनी तरफ से टोटके ना लगाए। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक तयादल जलाली वल इकराम, और यहां कुछ मौलवी बैठे होते हैं मस्जिदों में, उनको देखें तबारक तरबना व तआली व फराना लई फराना लई, ओ भाई जड़ी नबी की दुआ है उसको ना पढ़ाओ, आतो तना करो वो पूरी पढ़ के ना, उसके बाद फिर पूरा घंटा बैठ के दो मिनट पढ़ते रहो आप अरबी में फारसी में, लेकिन हुजूर के अल्फाज को आप आगे पीछे करेंगे आपको इजाजत नहीं है, आपको इजाजत नहीं है। तस्बीहात फातिमी है 33 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर 34 मरतबा, अब कोई कहे जी तो थोड़े हैं जी मैं 50-50 मरतबा पढ़ सा, ये गुनाहगार हो सी खबीस, इसलिए कि जो फिगर ऊपर से आ गया उसको तब्दील नहीं कर सकता। ये 33-34 पढ़ ले, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह करके हजार दानों की तस्बीह ले और सारी जड़ी पढ़ दे। तो जो दीन वारिद हुआ है उसमें हमें ये नहीं है, इसलिए फला हजरत नारा ये इश्क रसूल में जान भी कुर्बान है, पहले दीन सीखो भाई, उसूल सीखो, उसूल सीखो, सुन्नत के उसूल क्या है, बिदअत को रद्द करने के उसूल क्या है, दीन क्या होता है, बेदीनी क्या होती है, सुन्नत क्या होता है, बिदअत क्या होती है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, पहले इन चीजों को समझना चाहिए, उसके बाद जाके फिर आगे ये तर्तीबात करनी चाहिए। देखें इकामत मुकम्मल मुकम्मल होती है आखिर में, तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो आखिर में जाके कोई कोई कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, भाई तू की पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह, हकीकत है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इकामत के आखिर में नहीं आता तो आपने क्यों पढ़ा जाके, आप गुनाहगार हो। तो ये जरूर नहीं कि जो काम बजायर अच्छा हो तो अच्छा ही होता है, नहीं, उसकी सनद भी पीछे, वो किसी ने बड़ी जबरदस्त इसकी मिसाल दी है, आखिरी बात करके बात को खत्म करता हूँ कि वो एक आदमी हजार गया शॉपिंग की, शॉपिंग करने के बाद एक नोट निकाला और दिया काउंटर पर, उसने देखा बड़ा कड़कता नोट, ठीक ठाक खूबसूरत प्रिंट, उसने उसको देखा, देख के कहने लगा जेली, उसने कहा क्यों जेली, कहा जेली, उसने दूसरा नोट जेब में हाथ डाला एक निकाला, पुराना मरियल सा पीला पीला सा हुआ, उसको दिया मेल चढ़ी हुई, वो कहते हैं देखते कहते हैं असल है ये चलेगा, तो उसने कहा तेरा दिमाग खराब है, दुकानदार से कहा यार वो पहला कड़कता साफ सुथरा चमक मारता नोट और ये पुराना पीला सा नोट ये चलता है, उसने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, उसने कहा इसमें सरकार की मोहर है, उस पर सरकार की मोहर नहीं है। यही कहते हैं आप जितना भी उछल कूद रहे हैं जंगिया
खीरे जलवे हलवे ये वो कर लें, सरकार की ऊपर से मोहर है, उसमें खैर कुरून की मोहर है, सहाबा ताबीन अल्लाह का कुरान नबी के हदीस सहाबा के आसार, अगर वहां से अकवाल ताबीन तबा ताबीन का सिलसिला है, उन्होंने ये काम किए हैं, तो बेसर चशम हम चशम जो है आप कबूल करते हैं, लेकिन अगर वो मोहर नहीं है, आप जितना भी चमकाहट भर दें, रंगीलापन भर दें, अल्लाह की कसम खुराफात और बिदात हो सकती है, दीन इस्लाम कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें दीन और दीन के उसूलों को समझदार होने का तौफीक अता फरमाए।